मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। एक बहुत बड़े कूप ने हम सबको घेर लिया है। प्राणवायु शने शने समाप्त होने लगेगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि नगर में कम से कम अग्नि का प्रयोग करें। जितना हो सके प्राणवायु बचानी होगी हमें। किंतु हम इसमें कब तक सक्षम रहेंगे महाराज? धैर्य रखें, शांत हो जाएं आप सब। हनुमान गया है, वो अवश्य हम सबकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा होगा। प्रतीत होता है मुझे आपसे युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। प्रयास करके देख लो। देखता हूँ। पर्वतराज, ये शिलाखंड मुझे नंदी जी के लिए उठाना पड़ रहा है। बच पाएंगे इस प्रहार से। नंदी जी यदि इसी प्रकार मेरे मार्ग में अड़े रहे तो मैं भोले बाबा के आशीर्वाद के बिना सुमेरु की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अब तो श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं हम। अब क्या करें हम? हे प्रभु, अब तो धरती भी फटने लगी है। स्वामी, हमें शीघ्र ही प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। सुमेरु वासियों, आप सब राजभवन में आकर शरण लीजिए। मंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र ही नगर वासियों के लिए प्रमुख द्वार खोल दीजिए। जी महाराज। हनुमान ने सदैव सबके संकट हरे, आज भी वही इस संकट से बचाएगा हम। हनुमान, ये क्या आश्चर्य है? छोटे से नंदी जी और ये इतना बड़ा पर्वत, फिर भी इन्होंने हाथ से रोक लिया। मुझे अपनी दिव्य गदा का प्रयोग करना होगा। हे
आप इस गदा के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। भले ही मेरे प्रहारों को टाल ले, किंतु मुझे पूजा करके मेरे सारे प्रियजनों को इंद्रकूप से स्वतंत्र कराना है। इसीलिए मैं आपसे युद्ध करता रहूंगा। इस प्रकार से समय व्यतीत होता रहा तो सुमेरु पर आया संकट और बढ़ जाएगा। चारों ओर विषैला धूम्र व्याप्त है, प्राण वायु समाप्त हो रही है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। क्या हमारे जीवन का अंत निकट है? रक्षा कीजिए शीघ्र ही हम सब उसमें समा जाएंगे। इस विनाशकारी अंधकार से कोई हमें बचा नहीं सकता। अंजना, हे ईश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य है। मेरे नेत्रों के समक्ष मेरा राज्य, मेरी प्रजा और मेरे प्रिय जनों का सर्वनाश होने वाला है। मैं कैसा अभागा हूं, देखने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ हूं। हनुमान को आने में इतना विलंब हो रहा है। यदि वो शीघ्र लौट कर नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, हनुमान को शीघ्र सुमेरु भेज दीजिए, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। मायावी शक्तियों का सहारा ले सकते हो? नहीं, मैं गुरुदेव सूर्यदेव के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रयोग करूंगा। We'll be right back.
सूर्यदेव की महाघातनी शक्ति दल्वी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मैं सूर्यास्त का अनादर नहीं कर सकता, इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे क्षमा कर देना नंदी जी, अपनी प्रजा एवं परिवार को बचाने के लिए मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए, नंदी जी पर सूर्यास्त्र चलाने के लिए विवश है हनुमान। नंदी जी, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं, महादेव जी के दर्शन कर अपितु उनसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि वो सुमेरु की इस बड़े विनाश से रक्षा करें। अभी भी समय है, इस युद्ध को त्याग दीजिए। मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए कि मेरी ये याचना भोले बाबा तक पहुंचा दीजिए, मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए। नंदी जी, हनुमान की प्रार्थना महादेव तक पहुंचा दीजिए, उनके भक्त हनुमान को उनके दर्शन करवा दीजिए। बाबा, माता पार्वती, आप अपने भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। भोले बाबा, माता पार्वती, उचित समय पर आपने अपने दर्शन दिए, अन्यथा कारण ही मुझे नंदी जी से युद्ध करना पड़ रहा था। हे देवेश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपता है। पूरा सुमेरु और उसकी प्रजा और मेरा सारा परिवार इंद्रकूप के संकट में है, और इनकी रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर, इंद्रकूप से मेरे सुमेरु की रक्षा कीजिए भोले बाबा। बाबा, आप शीघ्र ही हनुमान के साथ चलिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान तो बहुत समय पूर्व यहाँ आ गया था, किंतु नंदी जी ने अनेकों बाधाएं उत्पन्न की ताकि मैं आपसे ना मिल पाऊँ। भोले बाबा, एक क्षण का भी विलंब संपूर्ण सुमेरु के नाश का कारण बन सकता है। हनुमान, तुमने जैसे ही नंदी जी से विनय प्रार्थना की थी, उसी पल तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच गई थी। यदि तुम यहां आते ही अपनी व्यथा नंदी को बता देते तो इतना विलंब नहीं होता। मेरे किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं, अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। हे देवेश्वर, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने नंदी जी और हनुमान के मध्य युद्ध की लीला इसीलिए रची जिससे हनुमान के साथ समस्त जगत को यह ज्ञात हो जाए कि नंदी जी के कानों तक पहुंची हुई प्रार्थना
आप तक अवश्य पहुंचती है। अन्यथा नंदी जी बिना कारण जाने किसी को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। हे भोले बाबा, दोष मेरा ही है, भूल हनुमान से ही हुई है। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपके दर्शन पाने के लिए सर्वप्रथम मुझे नंदी जी से अनुरोध करना होगा। हनुमान, अब तक नंदी जी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे, परंतु अब वो सुमेरु की रक्षा करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। हे प्रभु, नंदी जी अत्यंत शक्तिशाली है, ये तो हनुमान को ज्ञात हो गया है। परंतु देवराज इंद्र कह रहे थे कि उस इंद्रकूप को कोई नहीं आप ही खंडित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो नंदी जी नहीं, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं भोले बाबा। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। हनुमान, हमारे प्रभु देवेश्वर के वरदान से ही ऋषि शिलाद को नंदी जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे महादेव, शिलाद भक्त आपको प्रणाम करता है। प्रभु, आपका कल्याण हो। ऋषिवर शिलाद, आपने अत्यंत कठिन तप किए हैं, कहिए क्या वरदान चाहिए आप? हे प्रभु, आपके दर्शन हुए मेरा जीवन धन्य हो गया, और इससे अधिक कुछ मांगने का औचित्य तो नहीं, परंतु संकोच मत करिए ऋषिवर, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भक्त वत्सल, भोलेनाथ, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का प्रण किया है, परंतु मैं सद्गति भी चाहता हूं, जो तभी संभव है जब मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। मैं अपना ब्रह्मचर्य का प्रण खंडित किए बिना संतान चाहता हूं प्रभु। तथा अपने प्रति आपके प्रेम और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं ऋषिवर, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी, और आपके संतान के रूप में मैं ही आपको प्राप्त होऊंगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने तो मेरी इच्छा से कहीं अधिक मुझे दे दिया। मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र, आपका अंश, सदैव आपकी शरण में रहेंगे। फिर क्या हुआ माता? फिर एक दिन ऋषि शिलाद अपनी भूमि को हल चलाकर कृषि के लिए साध रहे थे। चल चल, होश। ये क्या, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला ये दिव्य शिशु कौन है? ये अवश्य ही भगवान शिव के वरदान का फल है। मेरा पुत्र शिवांश नंदी है ये।
जैसे जैसे नंदी जी की आयु में वृद्धि हुई, वे अपने पिता का वचन निभाने मेरी सेवा में चले आए। इस प्रकार वो मेरे सेवक भी हैं और मेरे रूप भी। उन पर पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है कि आप शीघ्र हनुमान के साथ चलिए और उस इंद्रकूप को खंडित कर सुमेरु की रक्षा कीजिए। चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा।